सर देखा ना आपने मेरा दिमाग कैसा मैंने भगाया इसको। आजा आजा इधर समोखन, और ये बता कि तुम लोग आसपास के दुकानदारों से सामान लेते हो तो उनके पैसे क्यों नहीं देते हो? एक बात बता, तेरी सैलरी कितनी है? क्या तनख्वाह कितना है तेरा? तनख्वाह सैलरी तो क्या बताएं सर जी, कभी निकालना ही नहीं पड़ा। वो बैंक में सीधा आता है, बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, वहीं पर जमा रहता है, कभी आज तक निकाला ही नहीं। जब तेरी सैलरी सीधा बैंक में जाती है और तू बैंक से पैसे भी नहीं निकालता है तो तेरा खर्चा कैसे चलता है? तेरा घर का गुजारा कैसे होता है? देखो सर, बात यह है कि गुजारा और सारे खर्चे बस समझ लो मेरी किस्मत में लिखा है, बाहर के ही कमाई से गुजारा हो जाता है। तनख्वाह और सैलरी मुझे लगता है कि देखना और गिनना मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब पूरा सैलरी ही बचा लेता है तू? बड़ा अच्छा दिमाग लगाता है, कुछ मेरे को भी बता आइडिया। इंस्पेक्टर साहब एक बात करनी थी, आपके फायदे की बात है। बोल। सर हमने परसों एक चोरी की साइकिल पकड़ी थी। ओए आराम से बोल, आराम से। आराम से क्यों बोलूं? हमने कौन सा साइकिल चोरी किया है, हमने तो चोरी का साइकिल पकड़ा है। अच्छा बोल बोल आगे। जो हम चोरी की साइकिल पकड़े हैं उसको हम चोरी चोरी से फिर बेच दें। क्या क्या बोल रहा है तू? सर इसका मतलब है चोरी की साइकिल चोरी में बेच देते हैं, चोरी चोरी बराबर जीरो। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे सामने तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं तेरे को इस टाइप का पुलिस ऑफिसर लगता हूँ? वैसे ही मेरे कंधे पे सितारे चमक रहे हैं। नहीं जी नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। मैं इस टाइप का नहीं लगता हूँ ना, पर मैं इसी टाइप का हूँ। मैंने तो पिछली बार चोरी चोरी से पूरे थाने को ही बेच दिया था। अच्छा जी, तो फिर हम दोनों की खूब जमेगी। जमेगी बाद में, पहले तू ये बता कि कोई चोरी का सामान लेने वाला है तेरी नजर में? अरे सर वो तो मैं यूं ही ढूंढ लूंगा, आप टेंशन मत लो। चल ठीक है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, चुपचाप साइकिल बाहर ही बाहर निकाल दे। ओए समोखन, मेरा हिस्सा देना मत भूलना, तू मेरे को अच्छी तरह से जानता है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलो क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? रिपोर्ट ही लिखने के लिए बैठे हैं, नहीं तो क्या हम यहाँ पर कुंडली बनाते हैं, भाग्य लिखते हैं किसी का? सर हमारा ट्रांसपोर्ट चोरी हो गया है। अच्छा अच्छा, कोई ट्रक ट्रक है क्या? नहीं जी, क्यों मजाक कर रहे हो, हम गरीब के पास ट्रक कहाँ से आएगा? अरे कोई बस या कार होगा। अरे नहीं बड़े साहब, क्यों मजाक कर रहे हो, हम गरीब के पास बस या कार कहाँ से आएगी, हमारा तो ट्रांसपोर्ट चोरी हो गया है। ओए बकवास ना कर ज्यादा, और ये बता कौन सा ट्रांसपोर्ट चोरी हो गया है? सर हमारी साइकिल चोरी हो गया है। अच्छा साइकिल चोरी हो गया है, मोनू एक रिपोर्ट लिख यार इसका, साइकिल चोरी का, जाके उसे अपना रिपोर्ट लिखवा दो। ओके, साइकिल का हुलिया लिखवाओ, कैसा था? साइकिल का हुलिया? अच्छा लिखो फिर। एक घंटी, एक घंटी। एक हैंडल, एक हैंडल। एक गद्दी, एक गद्दी। दो टायर, दो टायर। दो ट्यूब, दो ट्यूब। ओए तू पागल है क्या, ये तो हर साइकिल में होती है। तो हमारा भी साइकिल हर एक साइकिल की तरह है, नहीं तो क्या हम आपको हवाई जहाज का हुलिया लिखवा दें क्या? ओए तू ज्यादा बकवास ना कर, आराम से बोल, ये पुलिस थाना है, पुलिस थाना। चलो जाओ, जब साइकिल मिलेगा तो आपको बुला लिया जाएगा, वैसे 3-4 दिन के बाद आके देख जाना एक बार। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। ओए समोखन, जितना जल्दी हो सके साइकिल निकाल दे। नेताजी पिए। नेताजी पिए हुए हैं? नहीं मेरा मतलब नेताजी पिए। मतलब क्या है, नेताजी पिएंगे? मेरा मतलब है ये नेताजी है, मैं पिए हूँ इनका। तो ऐसा बोलो ना, बताओ क्या सेवा कर सकते हैं? जय हिंद। जय हिंद नेताजी, जय हिंद। क्या हाल है मेरे देश के रखवालों का? ठीक है जी ठीक है, जैसा हाल आप लोग रखते हो वैसा ही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चे, हमारी सरकार बनने दो फिर खूब मजे लूटना, थोड़ा सब्र रखो। अच्छा जी बोलिए क्या सेवा करें? आप लोगों को थोड़ी तकलीफ देनी थी,
बिल्कुल नेताजी, आप लोग तकलीफ के अलावा क्या दे सकते हो? आपने तो पूरे शहर वालों को तकलीफ दिया हुआ है, हम लोगों को भी तकलीफ दो। आप ऐसा करो, इस थाने में जितने भी इस इलाके के चोर डाकू बदमाश और 10 नंबरी हैं, उनकी मेरे को फोटो दो और सारी डिटेल दो। क्यों, आपको उनका आधार कार्ड बनवाना है या फिर राशन कार्ड बनवाना है? मुझे लगता है कि उनके लिए कोई सरकारी नौकरी निकला है क्या जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताइए, आप गुंडे बदमाशों के फोटो और बायोडाटा का क्या करेंगे? देखो, मेरे से ज्यादा जानकारी मत लो, लेकिन फिर भी आप लोग पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। बात ये है कि इलेक्शन आने वाला है और हमने अपने कैंडिडेट को टिकट देना है। बाकी एक बार सरकार बन जाने दो, फिर देखना। मोनू, वो वाली फाइल देना यार ढूंढ के, जिसमें बहुत खतरनाक खतरनाक गुंडे बदमाशों की डिटेल्स हैं। ठीक है। ये ले स्मोकन, ये 10 नंबर फाइल है, इसमें सारे खतरनाक खतरनाक गुंडों की डिटेल्स हैं, साथ में फोटो भी लगी हुई है, पकड़। बस नेताजी, 2 मिनट, आपको दे रहा हूँ। नेताजी, इस काम के लिए मैं एक बंदे की फोटो देता हूँ जो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये लीजिए, ये बहुत ही खतरनाक गुंडा है, 1 नंबर का कमीना है, पिछले 10-15 साल से इसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है। इसने बहुत ही मर्डर, डाके, फिरौती, अगवा, स्मगलिंग किया है, पर आज तक पकड़ा नहीं गया है। बिल्कुल आपके काम का आदमी है, वोट लेने के लिए। ये देखिए, शक्ल भी देख लीजिए, बिल्कुल हरामी लग रहा है। ये लीजिए, इसकी फोटो भी लगी है और इसकी पूरी डिटेल है और इसका एड्रेस है, देख लीजिए आप। वेरी गुड, हमको इसी तरह के कैंडिडेट की जरूरत थी। मुझे पता लग गया था नेताजी। थैंक यू। चलता हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। क्या हुआ नेताजी? ऐसा करो, ये रख लो, मेरे को किसी नए गुंडे की डिटेल्स दो जो नया लॉन्च हुआ हो। इसको क्यों नहीं लोगे नेताजी? अरे ये बहुत ही खतरनाक गुंडा है, बहुत खतरनाक गुंडा है, 1 नंबर का हरामी है, कुत्ता है, कुत्ता। ये आपके काम की चीज है और यहाँ तक ये आज तक पकड़ा भी नहीं गया है, 1 नंबर का सुअर है। अरे नहीं नहीं, ये मेरे को चाहिए ही नहीं, कोई और दिखाओ। क्या हुआ नेताजी, आप भी डर गए क्या इससे? बताइए नेताजी, बताइए, आपको क्यों नहीं चाहिए इसकी डिटेल? आपको बताना ही होगा, बताइए। अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं? वैसे बताना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो बता ही देता हूं। वैसे ये मेरी ही फोटो है 10 साल पुरानी, जो तुम लोग मुझे ही दिखा रहे हो। क्या क्या क्या